हेलो एवरीवन, वेलकम टू खाना खजाना विद स्नेहल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक स्पाइसी डिश, महाराष्ट्र की फेमस मिसल पाव। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, स्पाइसी और चटपटी बनती है, तो इसे आज हम बनाएंगे। देखते हैं उसकी प्रोसीजर। मिसल का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मटकी यानी मोट। ये रात भर भिगो के मैंने कॉटन के मटेरियल में बांध के रखा था, तो अच्छे से स्प्राउट निकल आए हैं। यहाँ पे आप मिक्स स्प्राउट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूंग और मटकी के स्प्राउट एक साथ। सबसे पहले हाई फ्लेम पे हमने कढ़ाई रख दी, उसमें डालते हैं 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगेगा हमें मिसल बनाने के लिए। ऑयल गर्म होने के बाद डाला 1/2 टीस्पून राई। अब डालते हैं 1/2 टीस्पून जीरा। इसका तड़का देने के बाद इसमें डालते हैं खड़े मसाले, तेज पत्ता, देन ग्रीन इलायची एक स्टारफुल, 1 ब्लैक इलायची और 3 ब्लैक पेपर। आप ये खड़े मसाले है वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड किए हुए प्याज। प्याज को हम तेल में फ्राई करते हैं। ये 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखी है अभी। अब ऐड करते हैं 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। अब टमाटर और प्याज को तेल में फ्राई करते हैं, इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ये अभी लगभग फ्राई हो गया है, तो अब इसमें ऐड करते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसे मिक्स करते हैं और ये पेस्ट मिक्स होने के बाद इसमें डालते हैं सारे मसाले। सबसे पहले डालते हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है, इससे मिसल को कलर भी अच्छा आएगा और मिसल हमारी स्पाइसी बनेगी। अब हम ये सारे मसाले मिक्स करते हैं और ये मिक्स होने के बाद हम इसमें डालते हैं जो स्प्राउट्स हमने बना के रखे हैं, वो स्प्राउट्स यानी मटकी हम इसमें अभी डाल देते हैं। अब हम मटकी और सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, आपके पास जो बाकी के स्प्राउट्स हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे मूंग के स्प्राउट्स हो गए तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालते हैं 2 से 3 कप पानी। मिसल पाव में ग्रेवी अच्छी लगती है, तो थोड़ा ज़्यादा पानी हम डालेंगे कि मिक्स होने के बाद। अभी नमक डालना बाकी है, तो टेस्ट के अनुसार नमक डालते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। इसे मिक्स करते हैं और मोट पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो हम 10 मिनट के लिए इसे लीड से कवर करके रख देंगे। अब 10 मिनट बाद हम लीड को ओपन करते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया से कलर आया है, आप देख सकते हैं। हमने जो लाल मिर्च पाउडर यूज़ की है उसकी वजह से स्पाइसी कलर आया है और खुशबू भी इसकी मसालेदार आ रही है। बस हम चेक करते हैं मोट हमारे पके या नहीं। ये देखिए, मोट भी अच्छे से पक गए हैं, तो बढ़िया से मिसल बन के अभी तैयार है। बस हम गैस बंद कर देते हैं और इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। प्लेट में एक साइड पे बॉम्बे पाव रखा है और एक साइड में रखा है नींबू और प्याज। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो इस तरह से मिसल को सर्व किया जाता है। अब हम ऊपर से डालते हैं ऊपर वाली ग्रेवी, मराठी में इसे कट बोलते हैं। इसे मिसल और भी स्पाइसी होती है, तो ये डाल दिया। अभी इसके ऊपर हम डालेंगे छोटी और बड़ी सेव, फरसाना भी कह सकते हैं हम इसे। बेसन की जो सेव मिलती है मार्केट में, वो बेसन की सेव इसके ऊपर डालेंगे। सेव के ऊपर से अभी डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज के साथ आप बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। अब ऊपर से नींबू का रस डालते हैं, नींबू के बिना तो मिसल अधूरी है। और उसके ऊपर से चॉप्ड धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स, बढ़िया से मिसल पाव बनके हमारी तैयार है। मिसल पाव खाने का असली मज़ा तो हाथ से ही है। तो इस तरह से हम पाव का एक टुकड़ा लेते हैं और ऐसे सारे लेयर मिक्स करके मिसल को खाया जाता है। तो आप भी घर पे इसे ज़रूर बनाइए और फैमिली के साथ आस्वाद लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।